आते हुए दिख रहे हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। आईटीसी पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि नतीजे हर लिहाज से काफी पॉजिटिव रहे। इनके सारे के सारे सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी काफी एक्टिव थे, चाहे फिर वो सिगरेट सेगमेंट हो, होटल या फिर एफएमसीजी बिजनेस। अच्छा ग्रोथ भी नजर आया और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 450 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। मुनाफा अच्छा रहा है और यहाँ पर सेगमेंटल ग्रोथ की भी अगर बात करें पॉजिटिव है। क्या इस पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के चलते स्टॉक में भी पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए आईटीसी के नंबर्स इन लाइन आ गए हैं और मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अगर सारे उनके बिजनेसेस की बात करें, जो मेन फ्रंट लाइन सिगरेट बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, होटल बिजनेस है, एफएमसीजी का कारोबार है, ये सारे बिजनेसेस में हमको बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का नंबर थर्ड क्वार्टर में आया है, मुझे लग रहा है कि वही रिपीट शायद जैन टू मार्च क्वार्टर में भी आएगा। और हालांकि बजट में थोड़ा सा ड्यूटी स्ट्रक्चर इंक्रीज किया है, इसका फर्क मार्जिन पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी मात्रा में आना चाहिए। तो इवन करंट लेवल्स पे डेफिनेटली खरीदने लायक है। अभी भी वैल्यूएशन अगर दूसरे एफएमसीजी कंपनीज के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें तो आईटीसी रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। करीबन 430-450 का एक टारगेट प्राइस हमको भी लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है और ये डेफिनेटली वॉल्यूम पुश और मार्जिन एक्रीशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। सारे बड़े नंबर्स हमने डिस्कस किए, आईटीसी, एसबीआई, बीओबी, एक नंबर जो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं ट्रैवल और रिवेंज ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल हो, लेजर ट्रैवल हो, तो इंडिगो के नंबर्स भी आपने श्योर अजय देखे होंगे, लॉस से प्रॉफिट में आई है इंडिगो। यानी अगर होटल बिजनेस चल रहे हैं तो ट्रैवल बिजनेस भी बहुत सॉलिड बूम पर है। इंडिगो पर आज कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रशांत, क्या आज खुलते ही इसे ले लेना चाहिए? किन लेवल्स पर आप एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि इंडिगो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन कर चुका है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट शायद हमें दिख सकता है। मैं इनिशियल बाइंग वेट करूंगा क्योंकि एक इमोशनल गैप अप हो सकता है। मुझे अगर बाइंग करनी हो तो मेरा जोन होगा करीबन 2150 से लेके 60 के आसपास। यहाँ पे अगर मिल जाए तो स्टॉप लॉस मेरा होगा 2100 का। मुझे लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबली हम 2280 से लेके 2300 इस जोन को विजिट कर सकते हैं और वो भी मुझे लग रहा है कि करीबन फरवरी के महीने में ही हम 2300 के लेवल्स इस स्टॉक में देख सकते हैं, 2300 तक के लेवल्स स्टॉक में। लेकिन इनिशियल पोजीशंस के लिए अभी प्रशांत जो है वो वेट करना चाहेंगे, राय इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन पर बनती हुई। तो चलिए, रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है और कह सकते हैं कि आने वाले 15 दिन भी जो है रिजल्ट्स के लिहाज से हैवी रहेंगे। लेकिन इसके अलावा लगातार हम आपके साथ इंटरैक्शंस का सिलसिला जारी रख रहे हैं, बाजार और कॉरपोरेट दिग्गजों का मार्केट पर, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक उनका नजरिया क्या है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे ही एक इंटरैक्शन को एक बार देखते हैं क्वार्टर 3 नतीजों पर। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 15 से 16% पर बरकरार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फोकस सभी सेगमेंट की क्वालिटी और लोन परफॉर्मेंस को बेहतर करने